ग्वालियर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय द्वारा शहर के सभी मीडिया कर्मियों के लिए मेडिटेशन से स्वस्थ बने मीडिया विषय पर एक मीडिया सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सेमिनार के सहभागियों का स्वागत करते हुए सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी आदर्श दीदी ने कहा कि सभी मीडिया बंधुओं के निरंतर सहयोग अपनी उपस्थिति के लिए अभिनंदन है, और साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने में सभी वर्गों में से मीडिया वर्ग का योगदान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की मीडिया की पहुंच एवं उपलब्धता वैश्विक है। सुशांत भाई ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज मीडिया कर्मियों के आंतरिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। पत्रकारिता में दो चीजों का महत्व है, पहला रचनात्मकता और दूसरा सकारात्मकता मानसिकता। ये दोनों तभी आ पाएंगे जब मन स्वस्थ और शक्तिशाली होगा। मन को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है मेडिटेशन को अपने जीवन का स्वाभाविक स्वभाव बना लेना, ताकि व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ बन सके। आज मीडिया बंधुओं को भी, मीडिया वाले भाइयों को भी, क्योंकि आज देखिए सभी को जरूरत है आध्यात्मिकता की, मेडिटेशन की, मीडिया बंधुओं के लिए भी आज एक खास मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो वह भी अपने जीवन में थोड़ा समय निकालें, मेडिटेशन करें और अपने मन को शांत रखते हुए समाज में सकारात्मक खबरों को, जैसे तो सकारात्मक खबरें सब देते ही हैं, और शांत मन से खुश होकर के हम अपने परिवार में जब रहते हैं, अपना जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। मीडिया वाले हमने देखा है कि सभी के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो दूसरों को अच्छा बनाने के साथ साथ खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो खुद के लिए कैसे समय निकालें, आज खास करके ये मीडिया वर्कशॉप जो रखी गई है, मीडिया बंधुओं के लिए रखी गई है, समय निकालें, मेडिटेशन करें और समाज को प्रेरणा दें। ग्वालियर से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।